अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक आने वाली उन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। तो इस तरीके की संख्या अगर हम ज्ञात करें तो उसके लिए पहले हमें 2 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी होगी, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकालनी होंगी, लेकिन उन दोनों में कुछ ऐसे उभयनिष्ठ संख्याएं मिलेंगी जो कि दोनों से विभाजित होती है, उनके योग को हमें घटाना होगा। तो चलिए देखते हैं हल। तो पहले हम लिखेंगे 2 से विभाजित या विभाज्य संख्याएं जो 1 से 100 के बीच में आती है। तो आप लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि, लेकिन अंत में 100 आएगा क्योंकि 100 सम संख्या है और ये 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि प्रथम पद 2 है, सार्वंतर D का मान 2 है, 4 में 2 घटाइए या 6 में 4 घटाइए या 10 में 8 घटाइए, सार्वंतर का मान यहाँ पर 2 है। और अंतिम पद जो है ये 100 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता है कि L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का हम उपयोग कर सकते हैं। A का मान है 2, N का मान हमें ज्ञात करना है, D का मान है 2 और अंतिम पद है 100। इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू, ये 2 को उधर ले जाकर के घटा देंगे, मिल जाएगा 98, और ये जो 2 है इसको पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 98/2। तो इस तरीके से आपको मिल रहा है n इक्वल टू 49+1, ये माइनस वन उधर जाकर के प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिल गया n इक्वल टू 50। अर्थात ये कि 1 से 100 के बीच में जो संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाजित होती है उनकी संख्या 50 है। तो माना इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n अर्थात यहाँ पे 50 पद है, पदों का योगफल S1 है, S1 हम नाम दे रहे हैं। तो इस तरीके से SN इक्वल टू होता है N/2A+L, इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा S1, चूँकि हमने S1 माना हुआ है, N/2, तो 50/2, A का मान है 2 और L का मान है 100। हल करेंगे तो मिल जाएगा S1 इक्वल टू 2550, 2550, ये हमें S1 मिल गया। अब 1 से 100 के बीच 5 से विभाज्य संख्याएं, इन संख्याओं को लिखकर हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो पहला संख्या 5, 10, 15, 20, 25 और अंत में आएगा 100। यहाँ पर हम लिख सकते हैं A का मान 5 है, प्रथम पद 5 है, D का मान भी 5 है क्योंकि 5 से विभाजित या 5 के गुणज से प्राप्त हमें समांतर श्रेणी मिला है। L का मान है फिर 100 और L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। A का मान है 5, N का मान हमें ज्ञात करना है और D का मान है 5 और ये इस तरीके से 100। तो मिल जाएगा N माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 95। आगे हल करेंगे मिल जाएगा N माइनस 1 इक्वल टू 95/5, मिल जाएगा 19। आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा N इक्वल टू 20, 19 में 1 ऐड करेंगे मिल जाएगा 20। तो इस तरीके से 5 से लेकर के 100 तक, 5, 10, 15, 20, इस तरीके से जो संख्याएं हमें मिली है उसमें पदों की संख्या 20 है। तो माना कि इस समांतर श्रेणी का योगफल जो है S2 है, माना इस समांतर श्रेणी का योग S2 है। तो SN इक्वल टू N/2A+L, इसका हम उपयोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा S2 इक्वल टू N/2, मतलब 20/2 A+L, तो 5+100,
सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एस टू इक्वल टू 1050, 1050। अब हम ऐसी संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं जो कि 2 और 5 से विभक्त होती है, विभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच। तो ये देखने के लिए कि ऐसी संख्याएं जो 2 और 5 से विभाजित होती है, दोनों समांतर श्रेणी के बीच में जो उभयनिष्ठ पद हैं, जैसे कि दो आपने लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इत्यादि, और फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या आपने लिखा था 5, 10, 15, 20, 25। तो इन दोनों श्रेणी में जो उभयनिष्ठ है वो है 10, जो कि दोनों पर है। इसी तरीके से अगला पद है 20, तो अगला पद आपको मिल जाएगा 30। तो इस तरीके से जो हमें समांतर श्रेणी मिल रही है या समांतर, तो यहाँ पर जो हमें श्रेणी मिल रही है ये है 10, 20, 30 और अंत में 100। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि प्रथम पद 10 है, सर्वांतर का मान 10 है और अंतिम पद 100 है। तो अंतिम पद के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। ए का मान 10, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान पुनः 10 और ये 100। यहाँ से आपको मिल जाएगा एन माइनस वन इंटू 10 इक्वल टू 90। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू 9, ये 90 अपॉन 10 करेंगे तो मिल जाएगा 9 और इस तरीके से एन इक्वल टू मिल जाएगा 10। अब हम लिखेंगे माना इस समांतर श्रेणी का योग या योगफल S3 है, तो S3 इक्वल टू मिल जाएगा n बाई 2, तो ये 10 बाई 2 ए प्लस एल, ए का मान है 10, एल का मान है 100। तो इसे जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 5 और मिल जाएगा 110, 550। इसका मतलब ये कि S3 का मान है 550। तो हमें ज्ञात करना था दो या पांच से विभाज्य संख्याओं का योगफल। यह आपको मिलेगा S1 प्लस S2 माइनस S3। चूंकि S1 दो से विभाजित संख्याओं का योगफल है, S2 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल है, लेकिन इन दोनों में कुछ ऐसे पद हमें उभयनिष्ठ मिल रहे हैं जो कि दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। इसका मतलब ये कि S1 प्लस S2 में हम इन पदों को 2 बार जोड़ चुके हैं, तो इस तरीके से इस पदों से बनी जो समांतर श्रेणी है इसे हम घटा रहे हैं S3 के माध्यम से। तो S1 का मान मिला था 2250, S2 का मान मिला था 1050 और S3 का मान मिला है 550। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3050 और यही उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। अगला 9वां प्रश्न है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। तो यहाँ पर पहले हम 2 अंकीय संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो कि 4 से विभाजित होती है, और फिर ऐसी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिस जो कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता हो, अर्थात 2 के गुणज में हम 1 को जोड़ देंगे तो जो प्राप्त संख्याएँ होंगी वह हमें ऐसी संख्या मिलेगी जिसको 4 से भाग देने पर 1 शेषफल मिलता हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 4 से विभाज्य 2 अंकीय संख्याएं, तो ये पहला जो है ये मिलेगा 12, फिर 16, फिर 20 और इस तरीके से अंत में आपको मिल जाएगा 96 जो कि 4 से विभाजित होगी। अब हमें ऐसी संख्या लिखने हैं जिसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता हो, तो हम लिखेंगे 2 अंकीय संख्या जिसे चार से भाग देने पर शेषफल
एक प्राप्त होता है। तो इस संख्या में एक जोड़ दीजिए मिल जाएगा 13, फिर इसमें एक जोड़ दीजिए 13, फिर इसमें एक जोड़ दीजिए 17, इसमें एक जोड़ दीजिए 21, इस तरीके से अंत में आपको मिल जाएगा 97। तो यहाँ पर आप यह लिख सकते हैं कि प्रथम पद 13 है, डी का मान 4 है, 17 में 13 घटा लीजिए या 21 में 17 घटा लीजिए 4, और अंतिम पद का मान है 97। तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ए का मान है 13, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान है 4, और यह है 97। तो इस तरीके से आगे हल करने पर मिल जाएगा 4n ऋण 4 बराबर 84। इसे हल कर सकते हैं, मिल जाएगा 4n इक्वल टू 88 और n इक्वल टू मिल जाएगा 22। 88 को 4 से भाग देंगे मिल जाएगा 22। तो इस तरीके से इस श्रेणी में 22 पद है, यह हमें ज्ञात हो चुका है। तो माना इस श्रेणी का योगफल Sn है, ये होता है n बाई 2a प्लस l। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा n का मतलब यहाँ पर 22 बटे 2 a प्लस l, a का मान है 13, l का मान है 97। हल करने पर मिल जाएगा 11 × 110। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा s 22 या फिर 22 पदों का योगफल 1210, और यही हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 है, सातवां पद 30 हो तो श्रेणी के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें समीकरण बनाना होगा जो कि ए और डी के बीच में एक संबंध होगा। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी है। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि तीन पदों का कि तीसरा पद 18 है, तीसरा पद 18 है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2d इक्वल टू 18, ये समीकरण एक। और फिर कहा गया कि इसके सातवां पद जो है ये 30 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस 6d इक्वल टू 30, समीकरण दो। समीकरण दो में समीकरण एक को घटा देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 2d सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4d, 30 माइनस 18 करेंगे मिल जाएगा 12, तो यहाँ से मिल जाएगा d इक्वल टू 3, 12 को 4 से भाग देंगे मिल जाएगा 3। अब a का मान हमें ज्ञात करना है, समीकरण एक में हम मान रख देते हैं, तो मिल जाएगा a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 18, 3 दूनी 6, तो इस तरीके से मिल जाएगा a इक्वल टू 18 माइनस 6 मिल जाएगा a इक्वल टू 12। a का मान मिल चुका है, d का मान मिल चुका है, 17 पदों का योगफल ज्ञात करना है। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। n बराबर 17 रखने पर S17 इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 12 2a प्लस n 17 है माइनस 1 इंटू डी, और d का मान है 3, 17 अपॉन 2 और ये मिल जाएगा 24, 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 3 48। तो आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 17 इंटू 36 इक्वल टू 612, और यही हमें ज्ञात करना था। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम द्वितीय व अंतिम पद क्रमशः x, y और z हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल x प्लस z इंटू y प्लस z माइनस 2x अपॉन 2 इंटू y माइनस x होगा। तो इस प्रश्न में हमें श्रेणी का योगफल सिद्ध करने के लिए कहा गया है। आप ये जानते हैं कि श्रेणी का योगफल लिखने के लिए आपको श्रेणी में पदों की संख्या n, प्रथम पद और अंतिम पद, यह ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए उसका उपयोग करके हम आगे हल करते हैं।
तो पहला यह कि दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यह दिया हुआ है x, और द्वितीय पद, द्वितीय पद y है। तो हम यह जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को a से निरूपित करते हैं और सार्वांतर को d से। दूसरे पद में पहले पद को हटाएंगे तो सार्वांतर मिल जाएगा। अब माना समांतर श्रेणी में n पद हैं और प्रश्न में दिया गया है कि श्रेणी का अंतिम पद z है, तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस सूत्र का उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे a अर्थात x n माइनस वन और d जो है ये y माइनस x है, ये z के बराबर है। आगे सरल करते हैं, x को पक्षांतर कर देते हैं तो n माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स बराबर z माइनस x। यहाँ से मिल जाएगा n माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ये n माइनस वन का मान है, हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n इक्वल टू हो जाएगा जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस वन। लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो ये मिलेगा वाई माइनस एक्स और अंश में आएगा जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ये x और ये x 2x और ये y प्लस z माइनस 2x अपॉन y माइनस x। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा n बाई टू, तो आपको मिल जाएगा n, n के स्थान पर यह संख्या या यह पद, तो ये y प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स एन बाई टू, तो ये इंटू वन बाई टू ए प्रथम पद, प्रथम पद x और l अंतिम पद z। तो हमें मिल गया एस एन इक्वल टू एक्स प्लस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन टू इंटू वाई माइनस एक्स, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न, n समांतर श्रेणियों के सार्वांतर 1, 2, 3 अप टू n है। प्रत्येक पद, प्रत्येक का प्रथम पद इकाई है। सिद्ध कीजिए इनके nवें पदों का योगफल n बाई टू इंटू एन स्क्वायर प्लस वन है। तो यहाँ पर बात की जा रही है n समांतर श्रेणी की। और यह दिया गया है कि सभी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक है और d का मान 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यह n तक है। तो यहाँ से हम प्रथम जो श्रेणी है समांतर श्रेणी, ये आपको मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। प्रथम पद एक, सार्वांतर एक, पहला पद एक, इसमें एक जोड़ेंगे तो मिलेगा दो, दो में एक जोड़ेंगे मिलेगा तीन, इस तरीके से आपको यह समांतर श्रेणी मिल रही है। तो यहां पर आप इसका एनवा पद निकाल सकते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करने पर ए का मान एक, ये एन माइनस वन और डी का मान पुनः एक, हल करने पर आपको मिलेगा एन। इसी तरीके से आगे हम द्वितीय श्रेणी देखते हैं। प्रथम पद एक है, जब सार्वांतर दो होगा तो एक में दो जोड़ने पर मिलेगा तीन, तीन में दो जोड़ने पर मिलेगा पाँच, पाँच में दो जोड़ने पर मिलेगा सात, इस तरीके से यह भी एक समांतर श्रेणी है। माना कि इसका एनवा पद हमें ज्ञात करना है तो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस सूत्र का उपयोग करेंगे। a का मान एक है n माइनस वन और d का मान है दो। सरल करने पर ये 2n माइनस टू, तो ये 2n माइनस वन आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इसकी जो तृतीय श्रेणी होगी ये एक
और एक में तीन जोड़ेंगे तो मिल जाएगा चार, चार में तीन जोड़ेंगे मिलेगा सात, सात में तीन जोड़ेंगे मिलेगा दस। इस तरीके से यह भी एक समांतर श्रेणी है। इसका एनवा पद यदि हमें निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, एक एन माइनस वन और डी जो है ये तीन है। सरल करने पर आपको मिलेगा थ्री एन माइनस टू। इसी प्रकार जो चतुर्थ श्रेणी है ये आपको मिल जाएगा एक पाँच नौ नौ तेरह इत्यादि। इसका एनवा पद टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का मान एक है प्लस एन माइनस वन और डी का मान जो है ये चार है। सरल करने पर आपको मिलेगा फोर एन माइनस थ्री। इस तरीके से आगे भी हमें कुछ पद प्राप्त होंगे। तो प्रथम श्रेणी का जो एनवा पद है वो आपको n मिला, दूसरे श्रेणी का एनवा पद n 2n माइनस वन, तीसरे श्रेणी का एनवा पद 3n माइनस टू और चौथे श्रेणी का एनवा पद 4n माइनस थ्री। तो इन सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है n श्रेणियों तक। तो अब हम आगे इनका योग लिखेंगे। सभी श्रेणियों के एनवे पदों का योगफल, तो मान लेते हैं कि ये सिग्मा टी एन है। पहला जो श्रेणी मिला था उसका एनवा पद एन, दूसरा जो पद मिला था ये टू एन माइनस वन, तीसरा जो पद मिला था वो थ्री एन माइनस टू, चौथा जो पद मिला था ये थ्री फोर एन माइनस थ्री। इस तरीके से एनवे पद तक हम आगे इसको लिख सकते हैं। इसका एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि ये इस तरीके से जो प्रथम पद हमें मिल रहे हैं, वैसे तो ये इस तरीके से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, आगे भी आपको पद मिलेगा। तो सबके प्रथम पदों को यदि हम जोड़ें तो हमें मिलेगा एन प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर एन। ये एनवे पदों तक आपको मिल जाएगा। फिर माइनस साइन यदि बाहर लें तो यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पद जो है ये शून्य है, तो शून्य फिर ये वन फिर टू फिर थ्री, ये अप टू एनवे पद तक। आगे सरल करते हैं। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा n बाई टू इंटू टू एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर माइनस n बाई टू, यह भी एक समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सरल करने पर आपको मिल जाएगा n बाई टू इंटू टू एन और यहाँ पर जो d है, d का मान जो है ये n है, तो मैं इसे यहाँ पर n लिख रहा हूँ। तो ये 2n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन और फिर n बाई टू, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये n माइनस वन। आगे सरल करने पर आपको मिलेगा n बाई टू, फिर ये एन स्क्वायर और 2n माइनस एन करेंगे तो मिल जाएगा प्लस एन और ये n बाई टू एन माइनस वन। तो आप ध्यान दें तो एन बाई टू दोनों पदों पर है, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं या फिर आप लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं, तो लघुत्तम समापवर्त जो आएगा ये दो ही होगा। अब n को कॉमन ले लीजिए तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन और ये प्लस वन, ये माइनस एन और प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू एन बाई टू एन स्क्वायर प्लस वन और यही हमें ज्ञात करना था। तो इसे हम लिख सकते हैं कि सिग्मा टी एन इक्वल टू एन बाई टू एन स्क्वायर प्लस वन, यह है इसका उत्तर। अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग पी एन स्क्वायर तथा एम पदों का योग पी एम स्क्वायर है, आर पदों का योग एस आर हो तो सिद्ध कीजिए कि एस पी
इक्वल टू पी क्यूब। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल दिया गया है उसे पहले हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं और फिर समय सरल करके d और a का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d है। अब प्रश्न में कहा गया है कि इसके n पदों का योगफल, तो ये मान के चलें कि ये एस एन है, इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका जो मान है ये पी एन स्क्वायर यह दिया गया है। तो यहाँ पर जो एन स्क्वायर है और यहाँ पर एन है, ये स्क्वायर वाला जो टर्म है इसमें एक एन कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि p इक्वल टू वन अपॉन टू एन, ये n इधर पक्षांतर हो जाएगा, p इक्वल टू वन बाई टू एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। माना ये समीकरण एक है और माना ये समीकरण दो है। इसी प्रकार m पदों का योगफल तो मिल जाएगा m बाई टू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी इंटू एम स्क्वायर। माना ये समीकरण तीन है। तो यहां से आप लिख सकते हैं p बराबर एक बटे दो एम, फिर ये दो ए टू ए एम माइनस वन इंटू डी। माना कि ये समीकरण चार है। समीकरण दो और समीकरण चार का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण दो व चार से ये वन अपॉन टू एम इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन टू एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये वन अपॉन एम टू ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू वन अपॉन एन टू ए प्लस एन डी माइनस डी। अब ये m और n का तिर्यक गुणा कर देते हैं, m इस तरफ जाकर के हो जाएगा टू ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी, और ये n को आप लेफ्ट साइड में तिर्यक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा टू ए एन प्लस एम एन डी माइनस एन डी। तो ये एम एन डी और ये एम एन डी दोनों कैंसिल हो जाएगा। और अब ये जो 2a वाला पद है इसको हम एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और d वाले पद को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि m माइनस एन इंटू डी इक्वल टू टू ए एम माइनस एन, एम माइनस एम एम माइनस एन और एम माइनस एन दोनों तरफ है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी इक्वल टू टू ए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समीकरण है, इसको हम आगे उपयोग करेंगे। तो डी इक्वल टू जो टू ए मिला था इसे हम समीकरण दो में रखते हैं। तो समीकरण दो से हम यह लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू वन अपॉन टू एन और फिर ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी का मान है टू ए। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 अपॉन 2n और ये 2a प्लस 2an माइनस 2a। तो ये प्लस 2a और माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा। तो 2an अपॉन 2n इक्वल टू a। तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि p जो है यह a के बराबर है। मान लेते हैं कि यह छठवां समीकरण है। और पुनः यदि p इक्वल टू वन अपॉन टू एन टू ए और टू ए के स्थान पर यदि मैं d लिख दूं तो आगे समीकरण कुछ इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करने पर मिलेगा वन अपॉन टू एन डी प्लस एन डी माइनस डी, ये प्लस d और माइनस d कैंसिल हो जाएगा,
एन डी अपॉन टू एन, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको डी बाई टू। तो यहाँ से आपको मिल गया पी इक्वल टू डी बाई टू, ये एक रिलेशन है। और दूसरा जो रिलेशन है आपको मिला था पी इक्वल टू ए। तो समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल, तो आप लिखेंगे एन बाई टू, तो यहाँ पर पी पद है तो ये पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब ये पी बाई टू हो गया और टू ए, और ए के स्थान पर हम पी लिख सकते हैं समीकरण छः से, तो मिल जाएगा टू पी प्लस पी माइनस वन, और डी का मान जो है यह टू पी है, ये डी इक्वल टू टू पी यहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा पी बाई टू टू पी माइनस टू पी स्क्वायर माइनस टू पी, ये टू पी प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर मिलेगा ये टू पी प्लस टू पी स्क्वायर माइनस टू पी, तो ये प्लस टू पी माइनस टू पी कैंसिल हो जाएगा, और ये टू पी स्क्वायर और ये पी, तो आपका यहाँ पे घात जो मिल जाएगा तीन मिल जाएगा। तो ये टू पी क्यूब अपॉन टू, और ये टू और ये टू कैंसिल, आपको मिल गया पी क्यूब। और यही हमें सिद्ध करना था कि समांतर श्रेणी के इस अभिष्ट समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल पी क्यूब के बराबर है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एस एन, टू एन पदों का योगफल एस टू एन, और थ्री एन पदों का योगफल एस थ्री एन हो, तो सिद्ध कीजिए कि एस थ्री एन अपॉन एस एन इक्वल टू सिक्स, जबकि एस टू एन इक्वल टू थ्री टाइम्स एस एन। तो जबकि जो दिया गया है कि एस टू एन इक्वल टू थ्री टाइम्स एस एन, इसको हम लेकर के चलेंगे और हम अंत में यह सिद्ध कर देंगे कि एस थ्री एन अपॉन एस एन इक्वल टू सिक्स। तो हल करने के लिए पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, और यह दिया है कि एस टू एन इक्वल टू थ्री टाइम्स एस एन। समांतर श्रेणी के दो एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल होता है एन बाई टू, तो यहाँ पर टू एन है, टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से एन पदों का योगफल एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा, या फिर आप ये टू और ये टू और ये एन को कैंसिल कर सकते हैं। तो टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू थ्री इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सरल करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा टू इंटू टू फोर ए, और ये टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा फोर एन माइनस टू इंटू डी इक्वल टू थ्री इंटू टू सिक्स ए प्लस थ्री एन माइनस थ्री इंटू डी। सिक्स ए माइनस फोर ए, तो आपको मिल जाएगा टू ए इक्वल टू फोर एन माइनस टू माइनस थ्री एन प्लस थ्री इंटू डी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फोर एन माइनस थ्री एन एन, और थ्री माइनस टू वन, और ये इंटू डी। तो ये जो समीकरण आपको मिला है कि 2a इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी, माना कि ये समीकरण एक है। अब एस एन का मान निकाल लेते हैं, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू, टू ए का मान यह दिया गया है, आप रख दीजिए n प्लस वन इंटू डी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी और डी दोनों में कॉमन है, एन डी अपॉन टू, तो ये मिल जाएगा एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एन इंटू एन, एन प्लस एन टू एन, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा टू एन स्क्वायर डी अपॉन टू, टू और टू कैंसिल हो जाएगा।
आपको मिल रहा है एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर डी। मान लेते हैं कि ये समीकरण दो है, तो हमें जो ज्ञात करना है वह है एस थ्री एन अपॉन एस एन। एस एन हम निकाल चुके हैं, आगे निकालेंगे एस थ्री एन। एस थ्री एन इक्वल टू थ्री एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको मिल जाएगा थ्री एन अपॉन टू, और टू ए का जो मान हमें समीकरण एक से मिला था ये है डी इंटू एन प्लस वन, और प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी। आगे सॉल्व करने पर मिलेगा थ्री एन अपॉन टू, और डी को यदि आप कॉमन लें और ब्रैकेट ओपन कर दें तो एन प्लस वन प्लस थ्री एन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, थ्री एन प्लस एन फोर एन। तो ये थ्री एन इंटू डी अपॉन टू इंटू फोर एन। तो ये टू टू जा फोर, ये दो धुनी चार, तो तीन और दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा छः। तो ये हो गया सिक्स एन स्क्वायर डी, और ये है एस थ्री एन। मान लेते हैं कि ये समीकरण तीन है, तो एस थ्री एन अपॉन एस एन यह हमें ज्ञात करना था। सिक्स एन स्क्वायर डी अपॉन एन स्क्वायर डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यह मिल गया कि एस थ्री एन अपॉन एस एन इक्वल टू सिक्स, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफलों का अनुपात 2n प्लस वन रेशियो 2n माइनस वन है, उनके दसवें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर श्रेणियों की बात की जा रही है, तो पहले हम दो समांतर श्रेणी लिखेंगे और फिर आगे प्रश्न अनुसार सरल करेंगे। तो माना दो समांतर श्रेणियां क्रमशः ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ये इत्यादि है। तो मान लेते हैं कि ये पहली श्रेणी, और दूसरी श्रेणी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, ये दूसरी समांतर श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के n पदों का योगफल श्रेणी एक के n पदों का योगफल एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और श्रेणी दो के n पदों का योगफल, मान लेते हैं कि ये एस डैश एन है, ये एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी। और हमें जो दिया है ये दिया है कि एस एन अपॉन एस एन डैश इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन टू एन माइनस वन। लेफ्ट साइड में ये मान रख देते हैं और आगे सरल करेंगे। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये अपॉन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन टू एन माइनस वन। ये एन बाई टू ये पद और ये पद दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आगे इसे सरल करें तो हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी, ये है टू एन प्लस वन अपॉन टू एन माइनस वन के बराबर। तो हमें यह ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि दसवें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि n माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू हम 9 रख दें, तो देखिए आपको सरल करने पर मिल जाएगा 9 दुनी 18 और 1 19, n बराबर 19। अब ये मान n माइनस वन अपॉन टू, देखिए दसवां पद क्या होगा,
ए प्लस 9d, तो ये जो n माइनस 1 अपॉन 2 है इसका मान हमने 9 लिखा और उससे तुलना की, तो n का मान मिल गया 19। तो इस तरीके से आपको दोनों का जो दसवां पद है उसका अनुपात आपको मिल रहा है कि a प्लस 9d अपॉन a प्लस 9d इक्वल टू 2 इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 19 माइनस 1। सरल करने पर आपको मिल जाएगा 39 अपॉन 37, और यही अनुपात हमें ज्ञात करना था। अगले प्रश्न में है कि किसी समांतर श्रेणी के m और n पदों के योगफलों में एम स्क्वायर अनुपात एन स्क्वायर का अनुपात है, सिद्ध कीजिए कि सार्वंतर प्रथम पद का दोगुना है। यह हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करने के लिए हमें मानना होगा कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d है, m पदों का योगफल m अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, माना कि यह समीकरण एक है। n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, समीकरण दो। प्रश्नानुसार Sm अपॉन Sn इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये रेशियो आपको दिया गया है। एस एम और एस एन का जो मान है हम यहाँ पर रख देते हैं, तो आपको मिल जाएगा एम बाई 2 इंटू 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर है। ये अपॉन 2 अपॉन 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर m है और यहाँ पर एम स्क्वायर है, कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एम अपॉन एन। आगे सरल करने के लिए हमको त्रियक गुणा करना पड़ेगा, और जब त्रियक गुणा करेंगे तो n का गुणा इस तरफ, तो ये 2an प्लस एम एन माइनस एन, और अब d का पहले गुणा कर देते हैं, तो ये एम एन डी माइनस एन डी इक्वल टू m का गुणा इसके साथ, तो ये 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। तो बराबर चिन्ह के दोनों तरफ एम एन डी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, और 2an माइनस एन डी इक्वल टू है 2am माइनस एम डी। डी वाले पदों को एक तरफ ले आते हैं और a वाले पदों को एक तरफ, तो 2an माइनस एम, और ये n माइनस एम इंटू डी, तो n माइनस एम और n माइनस एम दोनों तरफ है, तो यहाँ पर आपको मिल गया कि d इक्वल टू 2a, और यही हमें सिद्ध करना था कि दी गए श्रेणी का सार्वंतर प्रथम पद का दोगुना है।